लगा मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। भाई लोग जरा देख रहे पीछे चिल्ला के कौन आवाज दे रहा है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ इमो भाई के साथ में। किधर जा रहे इमो भाई मैं बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैं जा रहा था यहाँ से दादर मेरा ब्लॉग बनाने के लिए। इमो भाई को मैं दिख गया तो इमो भाई वो क्या बोलते मालूम, मैं बोला इमो भाई जरा मैं जा रहा हूँ बाहर काम से तो मेरे को उधर जाने दो। बोले अरे क्या काम, बोले चल मेरे साथ में। बोले ये इमो भाई ऐसा क्यों किया भाई तुम, मैं अच्छा खासा जा रहा था अपना ब्लॉग बनाने के लिए दादर में, नहीं मेरा तो कान पकड़ के ऐसा लेके जा रहे तुम। सा मालूम तो बहुत जरूरी काम है और तेरा ही काम है, मेरा काम है तेरा ही काम है, तेरा फायदे का काम है, इसके लिए तो लेके जा। क्या कचरा इतना साफ करने का क्या भाई, वो वहाँ पे सरप्राइज है तेरे लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं रहा नहीं इमो भाई तो फिर सोच लेना भाई। ओके अच्छा कभी आऊँगा ही नहीं फिर मैं। नान इमो भाई यार ट्रैफिक को क्या करने का यार, लॉकडाउन लगा दे, लॉकडाउन 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 गुंटरू ये देखो कहां से टर्निंग ले रहे भाई। हॉर्न बजाते हुए भाई इसके लिए इमो भाई मैं प्लेन से सफर करता हूँ तुम्हारे को मालूम है ना। अरे मैं खुद बिना पैराशूट के नहीं निकलता घर से बाहर। ए हॉर्न कम मार दे भाई तेरी भैंस की टांग। इसके लिए मैं इमो भाई समझ रहे ना, और मेरा पिलंडर आगे ही निकलता मेरे दिख रही नहीं भाई दिखाना लोगों देखो भाई। तो भाई ये इमो भाई की प्लेन है देखो। ओ भाई तुम्हारा अगर वो तुम्हारी प्लेन है तो तुम इधर पे क्या कर रहे हो। अरे मैं ड्राइवर को दिया था उसको सर्विस कराने के लिए, वो सारा आइटम को लेके घूम रहा है तो क्या करूँ अभी मैं। अरे भाई कितना देते यार इनके इतने बोल बच्चे दे रहा गाइस। अभी कैसा मेरे को बिना प्लेन के जमता नहीं है तो मेरी बात समझ में आती है, इनका कैसा ये बिना पैराशूट के पहाड़ वाड़ में रहते क्या भाई तू बिना पैराशूट। तुम लोग ये चीप लोग के सामने इसके लिए मैं ऐसा बात नहीं करता मालूम है, ये चीप गिरी मेरे को जाना पसंद नहीं है। अच्छा तुम्हारा रेगुलर ट्रैवल कैसा करते भाई तुम, पैराशूट और प्लेन दो चीज़ है। अभी ये तो बाइक इसके लिए मैंने ले लिया, ये थोड़ा हवा खाने का डील हो रहा था वो पैराशूट में क्या अंगार निकलती है उसमें भी तो हवा वो कह रहा ठंडी हवा ऊपर की हवा थी ना गर्म हवा मारती और तुम्हारे क्या पॉल्यूशन वाली हवा चाहिए। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इमो भाई को लखनऊ का राजा कहा जाता है और ये नाम दिया है शफीक भाई ने। हाथी शेर चीता चीता बीता जो भी आते उनके मुँह में वो बोलते और इमो भाई भी ये बात से एग्री कर दे। तो गाइस घाट को ऊपर क्या पे पहुंच रहे हम लोग और प्लान चेंज हो गया है, मैं दादर के जूडियो में नहीं जाऊंगा, कुरला के जूडियो में भी है फिनिक्स मॉल में वहां पे भी जूडियो है वहां पे जाके मैं शूज़ खरीदूंगा। इमो भाई मेरे को दिलाएगा अपने तरफ से तू मेरे को दिलाएगा यार। नहीं 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 बड़ा भाई, अच्छा बड़ा भाई दिलाता है छोटे भाई को या छोटा भाई बड़े भाई को दिलाता है। ब्लॉगर दिलाता, ब्लॉगर सही बोला ना, ब्लॉगर दिलाएगा इमो बड़े भाई दिलाएंगे। गाइस मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरे को ऐसे बड़े भाई मिले जो एक आवाज़ पे शूज दिला दे, वो आगे के वीडियो में मालूम पड़ेगा आप लोग को। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए फिनिक्स मॉल। हाँ अभी हम लोग पूरा फिनिक्स मॉल खरीद लेंगे, वही डील में चल रहे थे। कितना इमो भाई 550 करोड़। अबे हम लोग एड़े हम लोग का सेंडी है तो फिनिक्स खरीदना है और लेके कर लेंगे। नहीं अपन डील किए ना अभी फिनिक्स मॉल के सेट के बाद इतना इतना झूठ कौन बोलता है। और तुम्हारा एरोप्लेन वाला कौन सा सच मानेगा भाई, सच हो क्या। हाँ तो इतना चूरन कौन देता है बिना डब्बे वाला, कुछ भी फिनिक्स खरीदेगा। ये देखो अबे फिनिक्स की एक दुकान तो खरीद खरीदेंगे खरीदेंगे ठुकरा के मेरा अभी जाएंगे जूडियो में खाली टीपी करेंगे खाली थोड़ा टाइम पास करेंगे। नहीं लेंगे 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 भाई इतना सच नहीं बताने का भाई लोगों को। मैं लूंगा एक शूज लूंगा व्हाइट वाला, एक ही लेगा जोड़ी ले लेगा एक ही लेगा एक एक टांका ही लूंगा, एक टांका चोरी करेंगे। हाँ एक टांका जेब में डालेंगे। तो चलते अभी मिलते तुम्हारे को जूडियो में। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए, देखो ये लोग क्या है
अभी हम लोग ये पूछेंगे खुशी है क्या, गेम कर रहा है क्या, मतलब नहीं अंदर दिखता क्या है, कुछ भूत छुड़ेल क्या दिखती क्या गेम है, डर लगता है क्या नहीं लगता है। चलो चलो पहले स्टूडियो में चलते हैं, स्टूडियो स्टूडियो लड़की पीछे की भाई कैमरा चालू किया ना तो मुंडी उल्टा कर ली, लड़की लोग लड़की का मारते हैं यहाँ पे। हाँ और हम लोग छोड़ते हैं, लड़की एक चमाट देगी अपन भी उसको दो चमाट देंगे, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं भाई, इक्वलिटी सॉरी, लेडीज फर्स्ट। हाँ तो जेंट्स को भी है फिर भाई, वो भी है पहला काई के लिए वैसे तो पहले जूडियो इधर पे रहेगा क्या, किधर जूडियो किधर है भाई, मैं आप लोगों को बराबर जूडियो किधर है पहले देखता हूँ। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, चलो चलो कितनी खूबसूरत कन्याएं दिख रही है हमें, हाय हाय दिल्ली आ गया, लेकिन वो टीवी में रियल नहीं समझ तो गाइस जूडियो देखो इधर पे मिला है, जूडियो चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस जूडियो में पहुँच चुके हम लोग, अभी अंदर चल के हिम्मो भाई उस दिन बहुत बात कर रहा था यार, चलो भाई चलो जूता ले, अरे भाई 199 का क्या है, हेलो हिम्मो भाई 199 की टी शर्ट, अरे क्या जूता है यार, किसको फेंक के मारेंगे तो छेट आके तो आना कंपलसरी बस। चलो हिम्मो भाई आगे आगे चलते हैं, तो मेरे साइज के कपड़े मिल गए, देखो हिम्मो भाई मेरे साइज के कपड़े, $7.99 देखो फ्री का परफ्यूम यूज करते हुए हिम्मो भाई, हमारे उधर सूंघ रहे हाथ में क्या आदमी यार फ्री का सब यूज करो और चलते पड़ो क्या बोले लेडीज लोग का सेक्शन है वो, चलो भाई लेडीज लोग का सेक्शन है, उससे पूछना बंदे से शू की दर क्या, शू शू इधर देख के बोलो शू शू। तो गाइस यहाँ पे शूज मिल रहा ही नहीं, ज़्यादा कलेक्शन ही नहीं रखे हुए के लिए, दम मज़ा नहीं आ रहा शूज़ में, दम नहीं है क्या बोले भाई पागल हो, ब्लॉग बना रहे ना सब लोग देखते हैं यहाँ आजू बाजू, कैमरा लेके कर रहा क्या, एक आंटी तेरे देख के क्या बोलते पागल है क्या, बोला आंटी पागल है, देखो खाली इतने कलेक्शन है क्या कर रहे जूडियो वाले, समझ में नहीं आ रहा है, फ्री में भी ना दे तो गाइस कलेक्शन नहीं है तो हम लोग हिम्मो भाई ने जो बोले थे वही हुआ टाइम पास करने का चलो 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 आज बाहर निकल दे, ये अच्छा तो लग रहा है भाई, लेकिन साथ में प्राइस कितने है, 10,000 रुपये देंगे तो 20,000 बाप रे बाप। तो गाइस वो सस्ते सस्ते शूज थे हम लोग को पसंद नहीं आया इतना सस्ता कहाँ पहनते, 20-30,000 वाला नहीं इंचिंग हो जाता पैर में जैसे आप कादर को बता रहा चपरासी को मेरे को दीवार खुद के बाहर आ रहे इसको मैं लेके आता हूँ इधर आ, इमो भाई भी बोलते कि उनको सुखाताई करने का कौन सी सही करने का हिम्मो भाई सुखा के भाई तो गाइस अभी हम लोग का टाइम पास करके हो चुका है अंदर से, हाँ, जूता लेने आए थे लेकिन कुछ लिए नहीं, गेट के बाहर निकल रहा है, गेट के बाहर निकल रहे तो अभी कुछ खाएंगे उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए अभी कुरला खाओ गली, यहाँ का मैंने ब्लॉग भी बना के देखा, जिस लोगों ने नहीं देखा रहेगा जाके देखिए ब्लॉग, वो भी बहुत मस्त ब्लॉग है, और ये अंडा रोल वाले अंकल भाई दो अंडा रोल
हाँ भाई भाई का अंडरवर्ल्ड बहुत पुराना है यहाँ पे। कितने साल से भाई तुम इधर पे? 7 साल से तो हम लोग 7 साल से हिम्मू भाई खा रहे हैं। भाई का बहुत पुराना है तो पहला खा लेते उसके बाद में बात करते हैं। आई मोबाइल जो हिम्मू भाई ने तो शुरुआत भी कर डाले। चालू करो तो अंडरवर्ल्ड खा के हुआ है। अभी दही बड़ा खाने जा रहे हैं। दो अंडा रोल खाया पूरा पसीना पसीना हो गया। दो नहीं डेढ़, एक और आधा ना। तो अंडा रोल खा के हुआ है। अभी दही बड़ा खाने जा रहे। दो अंडा रोल खाया पूरा पसीना पसीना हो गया। दो नहीं डेढ़, एक और आधा ना। करो भाई क्या कर रहे थे? तो गाइस हम लोग के दही बड़े आ चुके हैं। हिम्मू भाई जरा टेस्ट करके बताओ भाई कैसा। मुंह में रखे नहीं, मस्त। तो गाइस पहले खा लेते उसके बाद में मिलते। तो गाइस हम लोग अभी खा के उठ चुका है। हिम्मू भाई पूरा पसीना पसीना खा गए थे। गरम गरम अंडा रोल नहीं खा पा रहे। क्या क्या जवान लोग है भाई तुम यार। बात जवानी और बुढ़ापे की नहीं आती इसके अंदर। फिर गरम गरम तो मैं भी कह रहा था भाई। गरम का टाइम चालू है। गरम नहीं जमता है, पहले से बचपन से ऐसा। गरम चीज़ नहीं, ज़्यादा गरम नहीं जमता। कुछ भी बोल देने का, मुँह में आया भग दिया, आया हक दिया। Nonsense. क्या है मोबाइल थक गया भाव हो गया। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एरिया पे थके हारे। तो जूता तो मिला नहीं, टाइम पास करके आ गए। तो यही तक का था मेरा ब्लॉग। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और जिन लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।